अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आज हम आगे अपने सेटअप के ऊपर, और सबसे पहले जो उनसे हम देखेंगे अपने जो स्टेजिंग वगैरह है। और माशाल्लाह से ये देखें जरा जी, ये क्या अंडे इतने वेस्ट किए हैं इसने, देखते कितने अंडे वेस्ट किए हैं। एक ये अंडा पड़ा हुआ है वेस्ट, दो ये पड़े हुए हैं, ठीक है, और बाकी पता नहीं किधर गए हैं। ये दो ही अंडे वेस्ट हुए हैं, पांच पांच, वो एक पानी के अंदर भी पड़ा हुआ है, ये देखें छिलका पड़ा हुआ है, पता नहीं बाकी वो खा गया। अब जो है ना, इसका पानी भी चेंज करते हैं। पहले सारे तोते वो बैठे हुए साइड पे, गर्मी की वजह से क्योंकि लाइट ऑफ हुई है और ये एयर कूलर लगाया हुआ है इनके लिए, ताकि जो है ना इनको हल्की हल्की जो है हवा वगैरह लगती रहे। वो देखें, अब मैं जो है ना पहले पानी चेंज करूँ फिर आपको दिखाता हूँ। भी है कि पानी वगैरह मैंने बाहर निकाल लिया था, वाश करके जो है पानी भी डाल लिया है, थोड़ा सा इसमें जो है दाना भी डालते हैं। अब इसमें होगा दाना, दाना भी चलने के बिल्कुल बस एंड होने वाला है। इसको यहाँ से कवर कर लेते हैं, ये दाना डल गया, ठीक है। अब जो है ना थोड़ा सा अंदर से जो है वो क्लीन करके ना फिर दाना वगैरह अंदर रखते हैं। ये है कि थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे जो बड़ी सी सफाई वगैरह वो कर दी है, ठीक है, और पानी वगैरह इसके अंदर रख दिया, दाना भी अंदर रख दिया। अब जो है ना वो चलते हैं ऊपर वाले साइड पर और जाके ज़रा उनको भी देखते हैं, उनको भी ज़रा दाना वगैरह पानी वगैरह डालते हैं। माशाल्लाह जो है ऊपर आ गया हूँ ऊपर वाले साइड पर। यह है कि आज जो है ये घास वगैरह भी इसकी आ गई हुई है रेबिट की, और माशाल्लाह जो है हमारा ये वाला कबूतर है ये माशाल्लाह फिट है ज़रा। और जो था ना जो इसके साथ छोटा जो बचा था यहाँ इसके साथ था, वो भी एक्सपायर हो गया, पता नहीं क्या हुआ था। वो इसने मारा है, इसने मारा, उसके भी जो है ना जिस तरह उसका निशान है ना उसी तरह से ना उसके ऊपर निशान था उसका जो था ना, जो जहाँ से उसको डैमेज हुआ था थोड़ा सा ना, जिसकी वजह से वो भी एक्सपायर हो गया था। और नीचे वाला जो कबूतर है वो थोड़ा कुछ बेहतर है, ये नीचे वाला, ऊपर वाला दूसरा वो ठीक था, वो वहाँ पे आपके सामने जो कल रखा था हमने, ठीक है। अब जो है उनको घास वगैरह रैबिट को डालते हैं, घास रैबिट को डालते हैं, इधर रख दिए मैंने। अब यहाँ से रैबिट देखते हैं, ये देखें किधर छुप छुप के बैठे हैं हमें, क्योंकि ये मिट्टी के नुस्खा होता है ना बॉल, ये ज़रा ठंडा होता है, जिसकी वजह से ना यहाँ सारे साथ जो है उसके पास लग के बैठे हुए हैं बेचारे, गर्मी में वो सारा गिला हुआ है। वो ये पानी गिरा देते हैं नीचे, देखे ना ये पी कहते इसको, पानी मिट्टी वाला हो गया हुआ है। ये डालते हैं घास इनको, ओ ये अंदर 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 वो खा, चल तू यहाँ से बाहर निकल, ये छुपा हुआ है, चल चल तेरी ऐसी की तैसी, चल ये घास खा। माशाल्लाह देख के खा रहे हैं अब ये, क्योंकि घास ठंडी होती है, दाने वगैरह इनको नहीं डाल रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दाना जो सा होता है वो पहले भी गर्म होता है काफ़ी ज़्यादा। अब जो सा ना इसमें थोड़े से ले गए पत्ते वगैरह लेते हैं और उनको भी डालते हैं, जो मुर्गियाँ छोटी हैं हमारी, ये देखें ऊपर आएंगी अब, ये देखें नीचे उतरो, चलो नीचे, हम नीचे जाएंगे, चलो नीचे चलेंगे नीचे। अब माशाल्लाह से देखिए ये भी खा रहे हैं, ये घास वगैरह काफ़ी शौक से खाते हैं, और ये मुर्गी भी पागल हुई हुई है, इसको भी ज़रा ना घास डाल दें ताकि ये भी थोड़ी सी खाए, क्योंकि घास जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है। इसमें से ये भी ले लिए, ये डाल दिए इसको भी, अब पानी वगैरह डाला हुआ है इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। दाना वगैरह भी जो सब में रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ऐसा आना ऐसा, वो दाना वगैरह सारा पानी वगैरह सब में रख गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ ना देखनी पड़ती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना पहले कि जो है पानी वो लाजमी है इन मौसमों में ना जानवर के लिए, तो इसलिए जो है अपने कबूतर वगैरह जितने भी हैं रेबिट्स वगैरह उनमें जो दाना वगैरह पानी वगैरह वो सारा ना एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि जो है ना वो इजीली खा ले। पानी खास तौर पे ज़्यादा रखते हैं अपने माशा से। नीचे वाला भी जो है जो सिलेंडर वाला उसमें पानी वगैरह चेंज कर दिया था, वो जो सा ना हमारा छोटे वाला जो जो था अपना पिजन का बच्चा था छोटा जो न्यू निकला था, जो हमने वाइट वाले उसका अंडा खा के ना तो इसके नीचे रखा हुआ था, उसमें जो बच्चा निकला था वो भी एक्सपायर हो गया, पता नहीं क्या मसला था। तो बाकी जो है माशा से हमारा जो सा गुब्बारा है वो थोड़ा सा बेहतर है पहले से,
फुल नहीं बेहतर, थोड़ा सा बेहतर है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी जानी वीडियो अब तक पहुंचे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।